अलीराजपुर जिले के चर्चित सोना और चांदी कांड में कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल ने कड़े आंदोलन की चेतावनी दी, साथ ही भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा ने 25 तारीख से जो आंदोलन की चेतावनी दी थी तो आंदोलन क्यों नहीं किया। वहीं अब इस मामले में उनके निशाने पर बीजेपी सरकार है और लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार आज तक नहीं बंद हो रहा है। चाहे सिंधी कांड हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे खंडवा में हो, चाहे ब्रांडपुर में हो, कई आदिवासियों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज तक आदिवासियों पे अत्याचार होते आ रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो ये गृह मंत्री से मांग करता हूँ कि तत्काल इस्तीफा दें, क्योंकि कानून पूरे आदिवासी जिले में ध्वस्त पड़ा है। आज हमारे अलीराजपुर जिला जो कि पुलिस के नाम पे कई चीज़ें नहीं है, खोपी नहीं है, सिर्फ पुलिस लूटपाट में लगी हुई है। चाहे सोना लूटना, चाहे आदिवासियों को जो चोरी की चांदी में लिप्त होना, जो कि नकली चांदी देना, आज पुलिस प्रशासन जो कि मेरे अंदाज से जो इसके पूर्व जो विपिन श्रीवास्तव जी एसपी थे, जिन्होंने जिला जो चलाया था, इसके बाद से पुलिस पूरा सिर्फ लूटपाट में, चाहे शराब हो, चाहे रेत हो, चाहे आदिवासियों को झूठे मुकदमे करके बंद करके लाखों रुपये एक एक थाने पे कमाए जाते हैं थानेदार द्वारा, टीआई द्वारा। तो मेरा यही मांग है कि अगर पुलिस प्रशासन ये सोने और ये जो चांदी के मामले में अगर नहीं करता तो इसका कांग्रेस पूरा आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं द्वारा भी किया गया था और उन्होंने चेतावनी दी थी कि 25 तारीख को हम जिला बंद करेंगे और आदिवासी को जो कि पुलिस को गिरफ्तार करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं दबाव में आके शायद ठंडे बस्ते में बैठ चुके हैं।